महाराष्ट्र राज्य केरोसिन हॉकर्स खुदरा विक्रेता संघ की ओर से विधान भवन पर अपनी मांगों को लेकर बाबूराव मेश्राम के नेतृत्व में मोर्चा निकाला गया। इस दौरान बाबूराव मेश्राम ने अपनी मांगों को लेकर प्रतिक्रिया साझा की और मांग अगर पूरी नहीं होती है तो आगे की भूमिका क्या होगी इसकी बाबत जानकारी दी है। मैं केरोसिन फेडरेशन महाराष्ट्र राज्य का राज्य अध्यक्ष हूँ। ये सब मेरे बच्चे हैं, इनको वारसनक लागू किया हूँ और मेरी मांग है 20,000 रुपए मासिक धन और गरीब जनता को केरोसिन मिलना चाहिए। ये मेरी मांग है। अगर ये शासन ने मांग पूरी नहीं किया तो ये झूठे लबाड़ शासन को हटाना है और इस राज्य को बचाना है। मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर रहने के बावजूद केरोसिन विक्रेताओं को मानधन देने का निर्णय लो, उसके बावजूद भी ये निर्णय नहीं ले रहे। उसके बाद चैलेंज की याचिका दाखिल किया तो ये झूठ लबाड़ सरकार क्या बोलती है, हम केरोसिन 100% दे रहे, 675 रुपए कमीशन दे रहे। अरे केरोसिन ही बंद हुआ तो कमीशन, और कमीशन के बाद में केरोसिन किसको दे रहे? ऐसे झूठ लबाड़ मंत्रियों को इस शासन को हटाना है और इस राज्य को बचाना है। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे।